आपने देखा कि अति अभिधान की दशा में कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। आइए अब हम अति अभिधान पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपने देखा कि अति अभिधान पर आधारित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते समय किस प्रकार विश्लेषण सारणी का निर्माण किया जाता है और फिर इस विश्लेषण सारणी के आधार पर पंजी प्रविष्टि की जाती है और अमाउंट की पोस्टिंग की जाती है। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कंपनी अकाउंटिंग के अंतर्गत। हम पहले एप्लीकेशन और आवंटन की अलग अलग पोस्टिंग करते थे, अलग अलग एंट्री करते थे, लेकिन अब हम आवेदन और आवंटन के लिए संयुक्त खाता खोलते हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है कि आवेदन और आवंटन के खाते को अलग अलग ना रखकर दोनों के लिए एक संयुक्त खाता खोल लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आवेदन और आवंटन से संबंधित जो प्रविष्टियाँ होती है वो एक साथ कर ली जाती हैं। आइए इस तरह की दशाएँ कैसे किस प्रकार निर्मित होती हैं और इस कंडीशन में कैसे प्रविष्टियाँ की जाती है, इस पर एक नज़र डालें। आवेदन एवं आवंटन के लिए संयुक्त खाता खोलने पर आवेदन तथा आवंटन की रकम प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, आवेदन तथा आवंटन पर प्राप्त रकम को हस्तांतरित करने पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिन आवेदन पत्रों पर कोई भी अंश आवंटित नहीं किए गए हो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आवंटन की रकम प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आइए ऐसी कंडीशन जबकि आवेदन और आवंटन के संयुक्त प्रविष्टि की जाए, इनसे संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। एम लिमिटेड ने 1,00,000 समता अंश 10 रुपए वाले 12 रुपए प्रति अंश की दर से निर्गमित किए, जिस पर 3 रुपए प्रति अंश आवेदन पर, 5 रुपए आवंटन पर प्रीमियम सहित तथा शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। 90,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, सभी राशि मांगी गई और प्राप्त हुई। केवल मिस्टर कृष्णा के 600 अंशों को छोड़कर जो आवंटन एवं याचना की राशि देने में असफल रहा, उसके अंशों को जब्त कर लिया गया तथा 9 रुपए प्रति अंश पूर्ण चुकता की दर से पुनः निर्गमित किया गया। रोज नामचे में प्रविष्टि कीजिए तथा कंपनी का चिट्ठा बनाइए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स जो है वो 1,00,000 है और पर शेयर 10 रुपीज है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसको 12 रुपीज पे इशू किए हैं, यानी कि जो डिफरेंस की अमाउंट 2 रुपीज है वो प्रीमियम है। दूसरी बात, प्रश्न में स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया है कि ये जो प्रीमियम की राशि है वो अलॉटमेंट के साथ देय होगी। और तीसरा, यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि 600 अंश जो मिस्टर कृष्णा के पास थे, इस पर अलॉटमेंट और कॉल दोनों ही नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि इस 600 पर केवल एप्लीकेशन मनी ही मिली है और कुछ भी नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन की। लेकिन एप्लीकेशन की एंट्री भी करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हमने 1,00,000 शेयर इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो केवल 90,000 शेयर्स के लिए ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एंट्री अमाउंट की एंट्री करते समय हमको ध्यान में रखना है कि केवल 90,000 से ही हमको इसकी एंट्री करनी है, कि क्योंकि 90,000 शेयर्स के लिए ही हमको एप्लीकेशन मिले हैं। तो 90,000 इंटू एप्लीकेशन जो मनी है वो 3 रुपीज पर शेयर है, तो 90,000 इंटू 3 यानी 2,70,000 से हमको इसकी एंट्री करनी है। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड, ये जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुई है इसको हमको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000 से। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अलॉटमेंट की ड्यू की हमको एंट्री करनी है, और हमको ये ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के साथ ही यहाँ पर प्रीमियम भी ड्यू हो रहा है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम अलॉटमेंट की अमाउंट लिखेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में हम
प्रीमियम के अमाउंट लिखेंगे। तो प्रश्न में हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो 3 रुपीज पर शेयर है, तो ये हो जाएगा 90,000 × 3 यानी 2,70,000। और प्रीमियम की जो अमाउंट है वो 2 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 90,000 × 2 यानी 1,80,000। और टोटल अमाउंट 4,50,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री हम जो करेंगे वो होगी ये जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई है उसके रिसीव की। लेकिन हमको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ड्यू तो हमने पूरे 90,000 शेयर से किया है अलॉटमेंट को, लेकिन क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि मिस्टर कृष्णा के पास 600 शेयर्स थे जिस पर उन्होंने अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं दी है, तो रिसीव करते समय हमको इस 600 शेयर्स पर अलॉटमेंट की जो अमाउंट बनती है विद प्रीमियम उस अमाउंट को हमको कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करना है। इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हमारी ये जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब हम इसमें अमाउंट किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल जो ड्यू हुई थी, थर्ड एंट्री हम देखते हैं कि टोटल जो ड्यू हुई थी अमाउंट वो थी 4,50,000, लेकिन इसमें से 600 शेयर्स पे 5 रुपीज से 3,000 की जो अमाउंट है वो हमको अलॉटमेंट पे नहीं मिली, यानी कि 4,47,000 ही हमको रिसीव हुए जिसको कि हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो टोटल यहाँ पर 4,50,000 हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। और हम नरेशन यहाँ पर लिखेंगे बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद हमको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो हम फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री करते हैं, पहले ड्यू की और फिर रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और 90,000 शेयर्स पे 4 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 90,000 × 4 यानी कि 3,60,000 से हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। और 6th एंट्री जबकि हम इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर हमको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि हमने 600 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर लिखा था अलॉटमेंट के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर 600 शेयर्स पर इसने कॉल की अमाउंट भी नहीं दी है, मतलब ये भी कॉल्स इन एरियर बन जाता है। और यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 5th एंट्री में हम देख रहे हैं कि जो ड्यू हुई है अमाउंट फर्स्ट कॉल पर वो है 3,60,000, लेकिन 600 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले, यानी कॉल्स इन एरिया डेबिट जो है वहां पर अमाउंट आएगी 600 × 4 2,400। और 3,60,000 में से 2,400 नहीं मिले, यानी कि मिले हैं कितने, 3,57,600 जो कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। या हम नरेशन लिखेंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन शेयर्स पे हमको अमाउंट नहीं मिले हैं अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की, उनके जो शेयर है वो फॉरफिट कर लिए गए, जब्त कर लिए गए, तो पहले हम उनके फॉरफिचर की एंट्री करेंगे और उसके बाद हम उनके रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो 7th एंट्री हमारी जो होगी वो इन शेयर्स के फॉरफिचर की एंट्री होगी। जब हम फॉरफिचर की एंट्री करते हैं तब हम 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला तो ये कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कितनी अमाउंट टोटल अभी तक मिली है, और दूसरा ये कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कितनी अमाउंट अभी तक नहीं मिली है। फॉरफिट किए गए शेयर्स पे जितनी अमाउंट मिली है उसको हम क्रेडिट साइड में टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में लिखते हैं, और जो नहीं मिला है वो जिस अमाउंट पे नहीं मिला है, अगर अलॉटमेंट पे नहीं मिला है तो अलॉटमेंट में डालेंगे, और फर्स्ट या फाइनल कॉल पे नहीं मिला है तो उसमें डाल के हम लिखेंगे। तो ओवरऑल इसकी जनरल एंट्री अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जब जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे ड्यू था, लेकिन यहाँ पर जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं वो उस पर प्रीमियम की अमाउंट अभी तक हमको नहीं मिली है, यानी कि प्रीमियम प्राप्त होने से पहले ही हमको उसको फॉरफिट करना है, क्योंकि प्रीमियम हमको मिलना था अलॉटमेंट पे, और 600 शेयर ऐसे थे जिसपे केवल एप्लीकेशन मिला अलॉटमेंट नहीं मिला।
और अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब कि प्रीमियम भी नहीं मिला है। तो यही कारण है कि यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया है, यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब हमको इसमें अमाउंट लिखना है, तो कुल मिलाकर जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं वो 6000 शेयर है 10 रुपीज इच। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600 × 10 यानी कि 6000 से डेबिट होगा, और इस पर जो प्रीमियम की अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। और प्रश्न में हमने देखा था कि 2 रुपीज प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, तो 600 × 2 = 1200 ये प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड में। उसके बाद हम क्रेडिट में देखते हैं कि हमारी फर्स्ट एंट्री है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पर अलॉटमेंट पर कितनी अमाउंट नहीं मिली। तो 5 रुपीज अलॉटमेंट की अमाउंट थी 600 शेयर्स पर, मतलब 3000 रुपीज नहीं मिले, जिसे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं सेकेंड हम लिखे हमने यहाँ पे लिखा है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितनी अमाउंट नहीं मिली। तो 600 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 2400 नहीं मिला, जिसे कि हम इसके सामने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और थर्ड हमने जो लिखा है टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, इसमें हम उस अमाउंट को लिखते हैं जो अभी तक फॉरफिट किए गए शेयर्स पर कुल मिलाकर हमको रिसीव हो चुका है। तो हमने देखा कि अलॉटमेंट मिला ही नहीं, फर्स्ट कॉल मिला ही नहीं, यानी कि केवल एप्लीकेशन की मनी ही इस 600 शेयर्स पर अभी तक रिसीव हो पाई है। तो 600 × 3 यानी कि 1800 ही हमको मिल पाए हैं, जिसे हम इसके सामने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बिन 600 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद क्योंकि हमको रीइशू करना है और हमको बहुत ध्यान रखना है कि अब हम जो शेयर रीइशू कर रहे हैं वो हम 9 रुपीज पे रीइशू कर रहे हैं, लेकिन ये शेयर जो है ये 10 रुपीज का था। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमने देखा कि 10 रुपीज का एक शेयर था। तो जब हम रीइशू की एंट्री करते हैं तो नॉर्मली हमारी जो जनरल एंट्री होती है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दो चीजें यहाँ पर नई आई हुई हैं और हमको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्काउंट भी दिखाई दे रहा है। 12 रुपीज में हमने पहले इशू किया था और अब हम उसको 9 रुपीज में रीइशू कर रहे हैं, यानी कि 12 - 9 3 रुपीज का हमको डिस्काउंट भी दिख रहा है, इसलिए हमने शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया है डिस्काउंट शो करने के लिए। और दूसरी बात, जिन शेयर्स को हम रीइशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पर इशू किए गए थे, तो उसके लिए यहाँ पर हमको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट भी करना पड़ रहा है। तो इन दो चीजों को हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हमने देखी, अब इसके आधार पर जब हम इसमें अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखेंगे जितने में हमने टोटल 600 शेयर्स को रीइशू कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि 9 रुपीज में हमने रीइशू किया और कितने शेयर्स को रीइशू किया, 600 शेयर को। तो 600 × 9 यानी कि 5400 में इसको हमने रीइशू किया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 5400 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम देख रहे हैं कि 3 रुपीज का हमको यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है, तो 600 × 3 यानी 1800 डिस्काउंट जो है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओवरऑल कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली जो अमाउंट है वो है 600 × 10 10 रुपीज का एक शेयर था तो 6000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो 2 रुपए हमने देखा था कि 10 रुपीज के शेयर्स थे और 2 रुपीज प्रीमियम था, तो उस प्रीमियम को हम यहाँ पर लिखेंगे 600 × 2 1200। तो इस तरह से रीइशू की हमारी पूरी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशूड एट प्रीमियम। अब क्योंकि यहाँ पर हमने शेयर फॉरफिट भी किए हैं और शेयर रीइशू भी किए हैं, यानी कि 7th एंट्री में हमने फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट किया है, 8th एंट्री में हमने फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया है,
और ऐसी कंडीशन में हम फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस की जो अमाउंट आती है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास जो करेंगे वो हो जाएगी इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बिंग अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि इसमें अमाउंट क्या लिखी जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेयर फॉरफिचर की अमाउंट जो है वो है क्रेडिट साइड में 7th एंट्री में 600 × 3 यानी कि 1800, और 8th एंट्री में 600 × 3 डेबिट साइड में 1800। तो डेबिट में भी 1800 है और क्रेडिट में भी 1800 है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पे नील हो जाती है। लेकिन भले अमाउंट नील हो रही हो लेकिन आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। वेस्टर्न लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंशों को सममूल्य पर निर्गमन के लिए प्रस्ताव हेतु प्रविवरण निर्गमित किया जिन पर भुगतान निम्न प्रकार होना था। आवेदन तथा आवंटन पर 2 रुपए, प्रथम याचना पर 4 रुपए, अंतिम याचना पर 4 रुपए। समीर जिसके पास 500 अंश थे दोनों याचनाओं की देय राशि नहीं दे पाया। संचालक मंडल ने इन 500 अंशों को हरण कर लिया और बाद में इनमें से 300 अंशों का 9 रुपए प्रति अंश में पुनर्निर्गमन कर लिया गया। वेस्टर्न लिमिटेड के पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर 10,000 है और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल तक जो भी यहाँ पर अमाउंट दी जाएगी उसके बारे में जानकारी दे दी गई है। साथ में दो बातें जो महत्वपूर्ण दी गई है वो ये है कि समीर के पास 500 शेयर्स थे, इसने कॉल्स अभी तक भुगतान नहीं किए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों, और इस 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लेना, इनका हरण कर लेना है और बाद में इस 500 में से 300 शेयर्स को रीइशू करना है और वो भी 9 रुपए पे करना है। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 रुपए के शेयर हैं और उसको हम 9 रुपए में रीइशू कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉरफिट किए गए शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 500 शेयर है जिनको हमने फॉरफिट किया है। दूसरा हमको देखना है कि इस 500 शेयर्स पे क्या मिला है और क्या नहीं मिला। तो इस 500 शेयर्स पे हमको आवंटन तथा आवेदन की राशि 2 रुपया ही प्राप्त हुई है और कॉल्स जो है फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल दोनों नहीं मिल पाए हैं। तो सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। और यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 शेयर्स को हमको फॉरफिट करना है, 10 रुपीज का एक शेयर था तो ये 5000 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में हम लिखेंगे वो अमाउंट जो हमको फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुई। तो 500 शेयर्स पे 4 रुपीज फर्स्ट कॉल है जो कि रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 2000 लिखेंगे हम इसके सामने क्रेडिट में। उसके बाद हम लिखते हैं टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, और यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकेंड कॉल कितने रुपए हैं जो रिसीव नहीं हुए हैं। तो 500 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 2000 रुपीज रिसीव नहीं हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस 500 जो शेयर जो फॉरफिट हम किए हैं उस पर कितने रुपीज रिसीव हो गए हैं। तो 2 रुपीज रिसीव हुए हैं, यानी कि वह हमने देखा कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ही रिसीव हुई है और वो कुल मिलाकर 2 रुपए है। तो 500 शेयर्स पे 2 रुपीज रिसीव हो गए हैं, यानी कि 1000 रिसीव हो गए हैं, जिसे हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 500 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। नेक्स्ट हम इसके रीइशू की एंट्री करेंगे क्योंकि इन शेयर्स को इसमें से हमने 300 शेयर्स को रीइशू करना है। तो यहाँ पर हम रीइशू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी हमने शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि पहले ये शेयर 10 रुपीज का था, अब हमको इसको 9 रुपीज पे रीइशू करना पड़ रहा है, यानी कि 1 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट है। और डिस्काउंट के अमाउंट को शो करने के लिए हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इस जनरल एंट्री में हम अमाउंट किस तरह लिखेंगे।
सबसे पहले हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में उस अमाउंट को लिखेंगे जो कि हमने रीइशू के दौरान प्राप्त की है। तो 300 शेयर्स पे 9 रुपीस के हिसाब से 2700 हमने रिसीव किया है यहाँ पे, इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला है, तो 10 रुपीस के शेयर्स को 9 में रीइशू किया यानी कि 1 रुपीस डिस्काउंट है, तो 300 × 1 300 डिस्काउंट मिला है। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि टोटल जो फॉरफिचर रीइशू जो पे जो रिसीव हुई है मनी 2700 प्लस 300 3000 हम इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे बिंग 300 फॉरफिटेड शेयर रीइशू फॉर 2700 एज फुली पेड। अब क्योंकि हमने यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर फॉरफिट भी किए हैं और उसके बाद हमने शेयर्स रीइशू भी किए हैं, तो डिफरेंस के जो अमाउंट है वो हमको ट्रांसफर करनी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन एक चीज को हमको ध्यान में रखना है, अगर हम फर्स्ट एंट्री में जो फॉरफिचर के अमाउंट है उसको सेकेंड एंट्री के फॉरफिचर के अमाउंट से डायरेक्ट माइनस करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि फर्स्ट एंट्री में जो फॉरफिचर के अमाउंट है वो 500 शेयर्स के लिए है और सेकेंड एंट्री में जो फॉरफिचर के अमाउंट डेबिट हो रही है 300 वो 300 शेयर्स के लिए है। तो पहले हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे और हम यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के लिए अमाउंट ऑफ 300 फॉरफिटेड शेयर। तो यहाँ हम इसकी एंट्री करेंगे 1000 जो है वो 500 शेयर्स के लिए है, तो 300 शेयर्स के लिए कितनी अमाउंट होगी फॉरफिचर की, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 300 यानी कि 600 जो फॉरफिचर के अमाउंट है वो 500 शेयर्स के लिए 1000 है, तो 300 शेयर्स के लिए वो 600 होगी। और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे रीइशू जो 300 शेयर हमने किए हैं उसकी जो अमाउंट है 1 रुपीज जो उसका डिस्काउंट था 300 रुपीज के हिसाब से वो, तो 600 माइनस 300 यहाँ पर 300 की जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगी। और उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ 300 इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।